हे गाइस, आई एम आंतरिक। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 2 मिनट ट्रैवल टिप ट्यूसडे। इस सीरीज़ में हर ट्यूसडे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ओडिशा के एक नए टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। आई होप ये शॉर्ट वीडियोस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेंगे एंड आपको फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेंगे। आज के 2 मिनट ट्रैवल टिप ट्यूसडे एपिसोड में मैं आपको लेके जा रहा हूँ भुवनेश्वर। दिस इज़ वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द सिटी एज अ किड विद माई फैमिली। सो या विदाउट फर्दर डू लेट सेट द टाइम टू 2 मिनट्स एंड लेट स्टार्ट। भुवनेश्वर इज द लार्जेस्ट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ ओडिशा। द हिस्ट्री ऑफ द सिटी डेट्स बैक टू सेवरल मिलेनिया, बट द मॉडर्न कैपिटल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लान्ड सिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। टूडे द सिटी इज एन IT एंड एजुकेशन हब एंड द प्राइमरी गेटवे टू द स्टेट्स टूरिज्म। अलॉन्ग विद नियर बाय कोणार्क एंड पुरी, भुवनेश्वर इज पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल, वन ऑफ ईस्ट इंडियाज मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस। The city is known as Ekamra Khetra or Temple City, with almost 400 temples spread across its old town area. These temples are the finest examples of the Kalinga style of architecture that flourished between the 10th and 13th centuries. Some of the most prominent temples include the Lingaraj Temple, Mukteshwar Temple, Rajarani Temple and Parasurameshwar Temple. One of the 4 Chausati Jogini temples in India is located in nearby Hirapur. On the city's outskirts, looking over Daya River, stands Dholigiri. This is where King Ashoka renounced his warfare and accepted Buddhism after winning the Kalinga War. The rock edicts of Dholi from the 3rd century BC and the Shanti Stupa are a must visit. The twin hills of Khandagiri and Udaygiri were the site of an ancient Jain monastery which was carved into cave-like chambers in the face of the hill. Apart from these historic sites, places worth exploring in and around the city include the Odisha State Museum, Tribal Art and Artifacts Museum, Pathani Samanta Planetarium and Nandankanan Zoo. With its wide roads, street art and green cover, a drive through the city is a delight. One must try the roadside chaat and gupchup and sweets like rasagulla and chhena poda from Pahado. Bhubaneswar sees a hot and humid climate with pleasant winds in the evening due to the proximity to the coast. The best time to visit would be between October and March. The city's Biju Patnaik International Airport has direct flights to several Indian cities and Southeast Asian countries. सो या इस सीरीज़ में मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मैं आपको कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ किसी जगह के बारे में, ताकि आपको नए नए जगह पता चल सके हमारे देश के एंड आप अपने फ्यूचर ट्रिप्स प्लान कर सकें। इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ मैंने एक प्लेलिस्ट में रख दिए हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप कभी भी इन वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं अपने ट्रिप प्लानिंग्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ डू लाइक इट एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट इट। एंड लास्टली अ स्पेशल मेसेज टू ऑल माय व्यूअर्स फ्रॉम ओडिशा, ये वीडियो को निश्चय शेयर करेंगे जमीक आम राज्य विषय में दुनिया सारा लोक जन पारा और पर्यटक को दुनिया सारू आम राज्य को आकर्षित करपर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। बाय बाय।